नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद रनिवास और सारी अयोध्या नगरी अत्यंत व्याकुल है। उनके शरीर को तेल के पात्र में रख दिया गया है। आक्रंदित निरानंदा साश्रुकंठ जनाकुला अयोध्यायाम अवतता सा व्यतीयाय सर्वरी। इस पूरी प्रक्रिया में आधी रात को मृत्यु हुई थी, पूरा दिन निकल गया है और पुनः रात्रि आ गई है। देखिए, ये बड़ी ही विडंबना है। रघुकुल शिरोमणि भगवान राम जिनको कहा जाता है, उनके पिता दशरथ, अगर व्यक्ति की कर्मों में कहीं भूल रह जाए तो क्या स्थिति आती है कि आज जब उनकी मृत्यु हुई है तो पूरी भरी पूरी घर परिवार में किसी को पता भी नहीं चला कि ये व्यक्ति किस घड़ी पे इसके प्राण निकल गए हैं, कि किस समय इनकी मृत्यु हुई है। कोई उनके आसपास इस तरीके से देखने वाला नहीं है। और उसके बाद ये पूरा दिन चला गया है। अभी तो और कितने दिन जाएंगे, पूरी कथा हम सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो शरीर जो है तेल के कड़ाहे में पड़ा रहता है कितने दिन तक। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जो है अगर सुकर्म करे तो ही जीते जी और मरने के बाद भी उसको सद्गति मिलती है। यहां मरने के बाद जो उनका शव है उसका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से योग्य रूप से नहीं हो पा रहा है। उनकी अयोध्या नगरी आज किस दशा में है, महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी नगर के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वगैरह हैं, मार्कंडेयो तो मौद्गल्यो वामदेवस्य काश्यपः कात्यायनो गौतमस्य जावालस्य महायशा, ये जितने ऋषि मुनि हैं ये ब्राह्मण हैं, एते द्विजा समा मात्य, ये सारे ब्राह्मण अमात्यों के साथ वहां करके पहुंचते हैं। वशिष्ठ मेवाभिमुखा श्रेष्ठम राजपुरोहित, राजपुरोहित जो वशिष्ठ हैं उनके साथ बैठ करके और सब लोग मंत्रणा शुरू करते हैं। अतीता सर्वरी दुखम यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन पंचत्वमापन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे, मंत्रणा करते हैं। वो पूरी रात वर्ष शतोपमा, जैसे 100 वर्ष गए हों इस प्रकार से वो रात व्यतीत हुई है। महाराज पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे में सभी लोग मिलकर के ये कहते हैं कि महाराज की मृत्यु हो गई और राम लक्ष्मण इस समय अयोध्या में नहीं है, भरत शत्रुघ्न कैकेयी देश में अपने माता मां नाना के यहाँ हैं। ऐसे में महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, उभौ भरत शत्रुघ्नौ कैकेयीषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये माता मह निवेशने, वो राजगृह में और अपने माता मां के यहां हैं। इक्ष्वाकु नाम यहाद्येव, आज ही इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हुए किसी अन्य को राजा कश्चित विधीयताम, किसी और व्यक्ति को राजा बना देना चाहिए। देखिए भैया, यही इस संसार का नियम है। यही सारे ब्राह्मण, यही सारे अमात, यही सारे मंत्री महाराज दशरथ के सामने जो अत्यंत आदर सम्मान दिखाया करते थे, आज महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद ये कह रहे हैं कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है और उनके 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र यहां उपस्थित नहीं है। तो इक्ष्वाकुणाम यह अद्यैवे राजा कश्चित विधीयताम, इक्ष्वाकु कुल में जन्मे हुए किसी भी व्यक्ति को इस समय राजा बना देना चाहिए। अराजकम हीनो राष्ट्रम ना विनाशम मावनुयात, क्योंकि राजा बिना का जो राज्य है वो नष्ट हो जाया करता है। ना राज के जनपदे विद्युन्माली महासुना अभिवर्षति पर्जन्यो महिम दिव्य नवारिणाम, और यहां से लेकर के इस पूरे अध्याय में राजा के बिना राज्य की क्या दशा होती है, क्या दुर्गति होती है, बहुत सारे श्लोकों में या पूरे अध्याय में यही बात कही गई है कि जहां राजा नहीं होता है वहां इंद्र बरसता नहीं है, वहां बिजली की चमकार नहीं होती है और जल का यानी दुकान पड़ जाया करता है। नाराज के जनपदे बीजम उष्टि प्रकीर्यते नाराज के पुत्र पुत्रो भार्या वर्तते वशे, जहां राजा नहीं होता है
वहां के जनपदों में बीज मुष्टि प्रकीर्ते, लोग वाग खेती नहीं करते हैं, खेती करने मेहनत लगती है। और जब किसी के पास से छीन झपट के ही, जब राजा नहीं है तो अराजकता है, तो किसी के पास से भी कुछ भी छीना झपटा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में लोग वाग मेहनत वाले काम नहीं करते हैं। और ना राज के पुत्रों भार्या वर्तते वशे, ऐसे समय में पिता के वश में उसका पुत्र, उसकी पत्नी, ये सब लोग भी बस में नहीं हुआ करते हैं। यानी राजा नहीं हो तो चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। अराजके धनम नास्ति, अगर राजा नहीं है तो धन नहीं है। नास्ति भार्या पे राज के, बिना राज के पत्नी भी नहीं है। और जब ये नहीं है तो सत्य भी नहीं रह जाता है, सत्य का भी नाश हो जाता है। नाराज के जनपदे यज्ञशीला दुजातया सत्राण्य वासते दांता ब्राह्मणा संसित व्रता, जहां राजा नहीं होता है वहां यज्ञ यागादि शोध कार्य, जो अच्छे अच्छे कार्य हैं वो सब कार्य बंद हो जाते हैं। कोई सत्र, कोई यज्ञ, कोई विधि विधान ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ अराजकता होती है। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यजुना, महान यज्ञों में यज्वल लोग जो हैं, जो यजमान लोग हैं, वो यज्ञ नहीं करते हैं। ब्राह्मणा वसु संपन्ना विसृजन त्याप्त दक्षिणा, और ऋतुजों को दक्षिणा भी नहीं मिला करती है भैया। इस प्रकार से राजा के नहीं रहने से सर्वत्र अराजकता फैल जाती है, सर्वत्र अव्यवस्थाएं हो जाती है। इसलिए हमें तुरंत ही किसी ना किसी को राजा बना देना चाहिए, इस प्रकार का सबका एक मत है। नाराज के जन्मपदे वणिजो दूरगामिना गच्छन्ति क्षेम मद्वानम बहुपर्ण्य समाचिता, जहां राजा नहीं होता है वहां के व्यापारी लोग अपने धन को लेकर के इधर उधर बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि अराजकता है, कोई भी उन्हें लूट लेगा, कोई भी उनकी चोरी कर लेगा। है नाराज के जनपदे यो क्षेमा प्रवृत्ते न चाप्य राज के सेना शत्रुन विपहते युधि, और ये कहते हैं कि जिस राज्य में राजा नहीं होता है वहां लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिलता है, और वहां की सेना जो है वो कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में ना माल्य मोदक दक्षिणा, यानी जो भी सारी चीजें हैं, जितने भी उत्तम कार्य हैं, वो सारे बंद हो जाते हैं। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसो तेसाम योनो ध्वजा राजा सा देवत्व मितोगता, भाई रथ के ऊपर ध्वजा लगी हो तो ये रथ किसका है, ये इसका प्रमाण होता है, इससे जान लिया जाता है। अग्नि कहाँ है, धुआं उठने से जान लिया जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे ध्वज स्वरूप थे ऐसे महाराज देवत्व को प्राप्त हुए हैं। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथो नरेन्द्र राष्ट्रस्य प्रभवा सत्य धर्मयो, जैसे नजर जो है पूरे शरीर की मार्गदर्शक होती है, हमें कहाँ जाना, हमें क्या करना, हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ हमारे ऊपर गिर रहा है कुछ, इन सारी चीजों का ख्याल रखती है। उसी प्रकार से जो राजा होता है वो राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हित करो नृणाम, अंत में राजा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा ही सत्य है, राजा ही धर्म है, राजा ही कुलवान लोगों का कुल है, राजा ही माता है, राजा ही पिता है, और राजा ही सबसे ज्यादा हितकर होता है। समझिए, अगर राजा नहीं है तो सत्य का नाश हो जाएगा। तो राजा है तो सत्य है, इसलिए राजा को सत्य कहा है। राजा है तो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, इसलिए राजा है तो धर्म है, या राजा ही धर्म है, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार से राजा है तो कुल की मर्यादाएं बनी रहती है, नहीं तो पता चला कि पुत्र जो है वो पिता का मान नहीं रखे, लोग अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी हो जाएं। तो ये जो कुछ है राजा से ही ये सारी चीजें होती हैं। यमो वैश्रवणा शक्रो वरुणस्य महाबला विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महतातता, भाई यमराज कहो, कुबेर कहो, इंद्र कहो, वरुण कहो, एक राजा जो होता है उसमें ये सारे गुण रहते हैं, वो इन सब के समान होता है। इसलिए सह न समीक्ष द्विजवर्य वृत्तम नृपम बिना राज्य मरण्य भूतम
कुमार मिक्ष्वाकुसुतम तथान्यम त्वमेव राजान महाभिषिंच। इसलिए हम सभी मिलकर के ये निर्णय कर रहे हैं कि बिना राजा के नगर जो है वो अरण्य जंगल बन जाता है, इसलिए इक्ष्वाकु कुल के किसी अन्य कुमार को आज राजा बना देना चाहिए। जैसे ही ये वचन सुने तैसा ही वचन सुत्वा वसिष्ठा प्रतिवाचस है, तो वसिष्ठ जी कहते हैं मित्रा मात्य गणान सर्वान ब्राह्मणान तान इदम वचः। वो जितने ब्राह्मण अमात्य मंत्री वगैरह सब लोग बैठे थे उनसे ये कहते हैं यदसो मातुल कुले दत्ता राज्यः परम सुखी भरतो वसति भ्राता शत्रुघ्नेन समन्विता। महाराज दशरथ ने जो भरत इस समय अपने मामा के कुल में हैं उनको राजा बनाया हुआ है, उनको वो राज्य दे करके गए हैं कि वही राजा बनेंगे, तो यहां और किसी को राजा बनाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। महाभारत में एक कथा आती है, अर्जुन से चित्रत गंधर्व कहता है कि आपके यहां अगर पुरोहित नहीं है तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आज यहां महाराज दशरथ के पुरोहित अगर वशिष्ठ नहीं होते तो किसी अन्य व्यक्ति को राजा बना दिया जाता। वशिष्ठ ने तुरंत इस चीज का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि जल्दी से दूतों को भेजा जाए और फिर वो सिद्धार्थ विजय इन सबको बुलाते हैं। यही सिद्धार्थ विजयम जयंतो शोक नंदना श्रुतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमिवः। तुमसे जो मैं कह रहा हूं सिद्धार्थ विजय जयंत और अशोक इन चारों को बुलाया जाता है। पुरम राजगृहम गत्वा शीघ्रम शीघ्र जवैर है त्यक्त शोकै इदं वाच्या शासनात् भर्तो मम। तुम लोग राजगृह जाओ, के देश है उसको राजगृह कहा जाता है, तो तुम लोग राजगृह जाओ और वहां जाकर के अत्यंत शीघ्रतापूर्वक तुम्हें पहुंचना है और वहां जाकर के कहना है कि गुरु वशिष्ठ ने आप लोगों को बुलाया है, बहुत जल्दी बुलाया है। माँ चास्मय प्रोषितम रामम माँ चास्मय पितरम मृतम भवंतः संसितुर गत्वा राघवाणाम इमं क्षयम। वहां जाकर के ना तो तुम ये बताओगे कि राम को वनवास दे दिया गया है, ना ही तुम ये बताओगे कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। इक्ष्वाकु कुल का यहाँ पे रघुकुल का जो क्षय हुआ है वो कोई बात वहां करोगे नहीं। देखिए यहाँ बड़ी राजनीति होती है, अगर जाकर के दूत वहां भरत को ये बता देते हैं तो ये बात भरत के नाना को भी मालूम पड़ेगी और उसके बाद भरत के नाना जो भरत चाह रहे होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि गुरु वशिष्ठ एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कैसे कि तुम जो सोच रहे हो कि भरत राजा बन जाएंगे, भरत राजा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर ये बात भरत के नाना और मामा इन सबको मालूम पड़ी होती और भरत के साथ अगर वो लोग भी यहां आते तो संभवतः भरत अपने मन का जो उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनको राजा नहीं बनना है, राम राज्याभिषेक होगा तो राम का होगा और नहीं तब तक मैं अयोध्या का लालन पालन करूंगा लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, संभवतः ये निर्णय नहीं हो सकता था। इसलिए बड़ी ही दूरदृष्टि थी, गुरु वशिष्ठ ने इस प्रकार से आज्ञा दी है। वो बहुत सारे कौशे यानी च वस्त्राणी भूषणानी वराणी चा छिप्रमादाय राघ्नस्य भरतस्य च गच्छता। वहां जब भरत को आप लेने के लिए जाओगे तो वहां उनके नाना और उनके मामा को तरह तरह की भेंट सौगात देनी है, वो सारी भेंट सौगात लेकर के इनको भेजा जाता है। भाई इस प्रकार की परंपरा हुआ करती थी कि अगर बच्चों को लेने के लिए वो जा रहे हैं तो महाराज दशरथ यहाँ से उनके लिए भेंट भेजेंगे और वो भेंट सौगात जो है वो लेकर के तुम निकलो यहाँ से। मतलब किसी तरीके से कुछ भी अनिच्छनीय बन गया है इस प्रकार की बात वहाँ मालूम ही नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रकार की तैयारी के साथ उनको दत्तपथ्यासनादूता रास्ते में खाने के लिए उनको जो कुछ चाहिए वो सब उनको दे दिया गया। जगमु स्वम स्वम निवेशनम सब लोग अपने अपने घर को गए हैं। के कयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारोह्य सम्मतान। फिर वो लोग घोड़ों पर बैठ के और के देश के लिए रवाना होते हैं। यहाँ से के देश का पूरा मार्ग बताया गया है कि किस प्रकार से अयोध्या से निकल के गंगा नदी को पार करके पांचाल देश कुरुजांगाल प्रदेश इन सब प्रदेशों में होते हुए और ये जो के देश है ये वर्तमान जो काबुल कंधार के आसपास का कोई एरिया है यहाँ का यहाँ के प्रदेश तक इनको भेजा जाता है और वहाँ के देश है। गांधार तो उस समय भी था लेकिन क्योंकि महाभारत में के नरेश का भी वर्णन मिलता है और गांधार नरेश का भी वर्णन मिलता है, इसको राजगृह नाम से जाना जाता है और ये पंजाब से आगे है क्योंकि सतलज व्यास इन सारी नदियों को पार करते हुए पर्वतों को पार करते हुए वहाँ भेजा गया है। तो ये दूत यहाँ से जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है
कि रात्राम तू तत्पुरमेव याता। जनरली क्या है कि रात को नगर में प्रवेश नहीं किया जाता है, लेकिन दूतों ने रात में ही जब वहां पहुंचे हैं रात को ही नगर में प्रवेश कर लिया है। 3 दिन इनको वहां पहुंचने में लगे हैं, इस प्रकार का वर्णन है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सुनते रहिए रम्या रमेश।